ये आई है, ये हार्ट है, आपका भी धड़क रहा होगा ऐसा हार्ट। सारू भाई कह रहे हैं नहीं धड़क रहा, नहीं धड़कता तो हम ब्लॉग कैसे शूट करते हैं, और आपका नहीं धड़कता तो आप कैसे देख रहे होते हमारे ब्लॉग, है ना। मेरे बैग में तो असला बारूद रखा है बहुत सारा। मैम बच रही है गाइस, आपको मैम देखनी हो तो बता देना। बड़े हरामी हो बेटा। खूब अच्छी अच्छी मैम आई हुई है यहाँ पे, जल्दी कर लो सर, थोड़ा सा पेट्रोल खत्म हो गया तो अभी हम पेट्रोल भरवा के फिर। जगदीश सिंह सिंगर आने वाले हैं ना 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, मेरा नाम है वाजिद अली, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल वाजिद अली व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं हम इमामुल और साहिल भाई के रूम से। ये वो साहिल भाई नहीं है, ये दूसरे हमारे फ्रेंड ही हैं, जहाँ पे हम पहले जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे तब वहाँ पे साथ में ही रहते थे। मैं उनका रूम दिखाता हूँ आपको, वो सब यहीं पे ही हैं। कुछ बंदे अभी कल ही जयपुर से आए हैं और कुछ बंदे अभी यहाँ पे पहले से ही हैं। तो एक भाई है, ये देखो ये रील वगैरह देख रहे हैं, और ये भाई हैं शुभम भाई, इनको मैं मिलाता हूँ आपसे। ये देखो हमारे शुभम भाई, भाई आपको दिख रहा होगा, ये भाई अभी आए, पता रात भर ना एक बार रेलवे स्टेशन पर बैठे रहते तो। और ये भाई लेके आए थे इनको इमामुल भाई हमारे, और ये भाई साहिल भाई हैं। ये है वो साहिल भाई, वो आप वो मत समझना पहले वाले, वो तो हमारे ब्लॉगर भाई साहब हैं। ये अभी पढ़ाई करते हैं, ये बी फार्मा कर रहे हैं सॉरी। और आपको इंटरेस्टिंग बात बता, ये शुभम भाई हैं, ये रात को 2 बजे आ गए थे रेलवे स्टेशन पर। जो हमारी बाइक थी ना, मेरी बाइक पर तो आपको पता ही है 2 बंदे मुश्किल से आ पाते हैं, पर जो भाई की बाइक थी ना, इन भाई की बाइक थी है ना, तो उस पे ना उसमें पेट्रोल खत्म हो गया तो अभी हम पेट्रोल भरवा के फिर तो हम पेट्रोल भरवा के फिर सुबह ले गए थे भाई को, इस वजह से लेट हो गए, नहीं तो मैं व्लॉग पहले ही शुरू कर देता, फिर मैं नहाने वाने लगा था। तो गाइस आज मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। जब मैं पढ़ाई करता था कॉलेज में ना, तो हमारे एक दोस्त था सारू भाई, वो सारू भाई अभी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की उस पोस्ट पर हैं, तो हम उनसे मिलेंगे। उनका बार बार फोन आ रहा था, कह रहे थे आज हम मिलने हैं, तो मैं अब जाऊंगा उनसे मिलने। तो गाइस एक बार लुक बता दूं मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ। बाल आपको पता ही है हेलमेट की वजह से इतने बेकार हो जाते हैं ना, पूछो मत। तो अब हम आपको अपना कॉलेज दिखाएंगे जहाँ पे मैंने पढ़ाई पूरी करी थी। अब मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा अपने कॉलेज सारू भाई के पास में, वहाँ से मिलेंगे, अपना कॉलेज वगैरह देखेंगे क्या क्या सिस्टम चल रहा है। कोई पुराना दोस्त और मिल जाए तो ठीक ही है, मिल के चलते हैं सबसे, मौज जिंदगी का क्या पता यार। तो फिर कॉलेज से मिलने के बाद अब हम सीधा फिर जाएंगे घर, घर जाके अपना काम धंधा देखेंगे गाइस, ठीक है। रेडी होते हैं बच्चे, वैसे तो मैंने सामान वामान सब रख दिया था, और फिर भी आपको एक चीज बताऊं, ये इतना भारी बैग इस वजह से हो गया है, प्रॉब्लम हो गई यार गाइस। मैंने इसी के ऊपर ये पहन लिया, पर कोई नहीं ऐसे भी चल जाता। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है, जो हमारा जेरी है, मैंने आपको जेरी से नहीं मिलाया होगा ना, अब मैं घर जाकर आपको जेरी से मिलाऊंगा, मतलब इतना प्यारा बच्चा है ना। मैं आपको बताऊँ क्या, मैं दिखाऊंगा कि मैं घर चल के आपको, ठीक है। आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा मैं करीना करीना बुला रहा था ना, तो वो करीना का बच्चा ही है जेरी, ठीक है। तो गाइस हेलमेट वगैरह हमने सब लगा लिया है, और मैं एक बार आपको अपने पैंथर दिखा दे रहा हूँ, है ना। मैंने सुबह ही सुबह बाहर निकाली थी, मैंने आपको बताया ना पेट्रोल लेने गए थे, तो मैंने अपनी पैंथर को बाहर निकाल दिया है। देखो भाई लुक देख रहे हो, थोड़ा जूम कर देता हूँ ये, चलो अब इससे तो हम नीचे नीचे ही मिलेंगे, है ना, चलते हैं। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, ऊपर 2-3 मंजिल पे है, तो चलते चलते पैर देखने लग सकेंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस सबको बाय बाय बोल देते हैं, ठीक है, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चल दिए हैं थोड़ा नीचे जाके, आज घर निकलना है मुझे, रोज कहता हूँ आज निकलना है, पर आज तो निकल ही जाऊंगा है। तो गाइस हम आ गए अपने कॉलेज में, सारू भाई के ऊपर है, ऊपर चलते हैं। ये देखो ये गेट पास है मेरा बना हुआ, तो इस पे सिग्नेचर करेंगे सर के, और मैं अपना पूरा कॉलेज दिखाता हूँ आपको, मिलते हैं फिर सारू भाई से ऊपर। हाँ ऊपर ही जा रहा हूँ, यहीं पे खड़े हुए हैं सारू भाई भी। ये देखो गाइस ये देख लो, ये रहे सारू भाई से मिलते हैं, और बढ़िया। मैं भाई का बताता हूँ, ये हमारे साथ पढ़ते थे, हम सब साथ आते थे कॉलेज, और खूब मस्ती भी करते थे, और आज इसी कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, और हम देख लो हेलो गाइस करते घूम रहे हैं यहाँ पे गाइस। रुतबा है भाई का, रेत देखो अब पब्लिक सर बोलती है। कॉलेज एंटर हो गए हमारे फारूक भाई, ये खड़े हुए यहाँ पे, और अब मैं आपको कॉलेज दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे 4 साल गुजारी। ये हमारे कॉलेज का गाइस हर्बल गार्डन है, मैं थोड़ा हाँ कोग्नोसो की सारे देसी दवाई प्रोडक्ट है,
बहुत पढ़ाई वढ़ाई तो खैर हम क्या ही करते थे, यहाँ पर मस्ती में मस्ती जाता जल्दी जगह, सारे दोस्त होते हैं ना तब पता चलता। अभी तो सारे भाई के मजे हैं इसी कॉलेज में, ये सर बन गए, जहाँ जिन बच्चों के साथ पढ़ने आते थे ना गाइज, अब वही बच्चे जिन्हें सर कहते हैं। पता है गेट पे पहले एक बार याद है मुझे, गार्ड ने रोक लिया था ना, है ना आज, पता है वो गार्ड क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे शाहरुख सर के पास जाना, सर मतलब टीचर की अहमियत आपको गाइज पता ही होगी, है ना, या अपनी क्लास। गाइज अब मैं दिखाता हूँ आपको अपनी क्लास, है ना, अगर इसमें से चेयर चेंज नहीं हुई ना तो आज भी वही मेरी चेयर होगी जहाँ पर मैंने मार्किंग वगैरह कर रखी होगी गाइज, पर पता नहीं। देखो ये मेरी फेवरेट जगह थी गाइज, यहाँ पे मैं बैठता था, आपको दिख रही है, ये मेरी फेवरेट जगह थी, यहाँ पे मैं बैठता था, सारे भाई यहाँ बैठते थे और उधर अपने मेरे रूम के बच्चे बैठते थे, और हमारे गांव का एक आकिब वो यहाँ बैठता था। आपको आवाज़ गूंज रही होगी, मैं इसके अंदर हूँ ना, क्लास के अंदर, यहाँ पे हमारे सर हमें पढ़ाते थे गाइज। पहले मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, है ना, उधर बच्चे खड़े हुए, ये देखो, ये देखो गाइज उधर वॉलीबॉल खेली जा रही है ना, आपको दिख रहा होगा, ये कैंटीन है और उधर हॉस्टल है। तो गाइज सब चले गए यहाँ पे जितने भी थे, जो हमारे खास खास दोस्त थे, जहीर बाउंसर हमारे दोस्त है वो भी, और यहाँ पे अभी बच्चों की पढ़ाई है, 3 बजे हमारे कॉलेज की क्लास छूटने वाली है। तो गाइज अभी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको, पहले हम भी ऐसे ही सोते थे, ये देखो गाइज आपको सुनाई दे रहा होगा, देखो भाई सो रहा है यहाँ पे, और भाई बढ़िया, कुछ भाई यहाँ पे सो रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, ये हमारा कॉलेज था ऐसा, और उधर देखो सर खड़े हुए हैं, आपको दिख रहा होगा भाई, देख लिया गाइज आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे बच्चे बैठे, वो उधर बीटेक इंजीनियरिंग की बिल्डिंग है, आपको दिख रही होगी, बाकी मैं अभी दिखाऊंगा, अभी बच्चों की एक बार छुट्टी हो जाने दो गाइज, है ना, जब बच्चों की छुट्टी होगी ना तब मैं आपको सब दिखाता हूँ। और यहाँ पे वो बैग रखे हुए, हमारे बैग भी गाइज ऐसे ही रखे रहते थे, देखो ये रखे, हमारे बैग भी ऐसे ही रखे रहते थे यहाँ पे, हम जब पढ़ाई करते थे, हमारा रूम ना थोड़ा ये पहले हम जब शुरुआत में आए थे तो रूम हमारा उधर बाहर की साइड था, और अब हम फिर बाद में एक साल बाद हमने थोड़ा दूर ले लिया, तो वहाँ से रोज आना जाना, मैं तो गाइस बहुत लेट उठता था, 9 बजे उठता था और सीधा आ जाता था यहीं कॉलेज, पास में था ना तो आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो देखो गाइस अगर आप गौर करो ना तो आपको दिख रहा होगा, देखो ये उस रोड के उस तरफ वो 2 मंजिल का मकान दिख रहा है ना, यहीं की बात है, और कॉलेज के नज़ारा कुछ ऐसा है, अपने पैंथर उन टीनों के नीचे खड़ी हुई है गाइज, है ना। तो गाइज मैंने आपको बताया था बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, बच्चे सब चले गए हैं, मैम मैम बच रही हैं, गाइज आपको मैम मैम देखनी हो तो बता देना, खूब अच्छी अच्छी मैम आई हुई हैं यहाँ पर। तो गाइज ये अपनी लैब है, देखो ये शाहरुख भाई काफ़ी पहले, हम भी बच्चे भूल के चले जाते हैं ना गाइज, देख लो हम भी पहले ऐसे भूल के चले जाते थे पता है, पर गायब हो जाती थी, पर ये शाहरुख भाई आए ना तब से बच्चों का भविष्य सुधर चुका है, ये देख लो गाइज, ये देखो आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ सब, है ना, सारे इक्विपमेंट क्या क्या है हमारे कॉलेज में, अब तो काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है, तब मैं था उस टाइम पे इतना कुछ भी नहीं था, हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं तब कंजूसी करते थे, अब नहीं करते इतनी, अब मतलब जमाना बदल चुका है ना, और कुछ सारे भाई रहेंगे तब तक शासन में तो ऐसे कैसे हो सकता है। ये देखो सारे भाई सारे इक्विपमेंट रख रहे हैं, ये कुछ लैपटॉप वगैरह गाइज, ये देख लो इन सब से ना मैं गुजर चुका हूँ, ये सारी सिचुएशन से आज जहाँ पे खड़े हैं, हमने तो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया गाइस, इस वजह से हम व्लॉग शूट कर रहे हैं आज, शाहरुख भाई का व्लॉग शूट कर रहे हैं, देख लो ये पूरी ड्रग है अपने पास, मतलब देसी दवाइयां, ये देसी दवाइयां गाइस, देखो जड़ी बूटियां जितनी भी है ना सारी जड़ी बूटियां यहाँ पे रखी हुई है, वैसे देखने के लिए है ना, दिखाने के लिए है, ये मुलेठी यार मेरा गला बैठा है, एक मुलेठी निकाल के दे गाइस, मेरा गला बैठ गया, 2-3 दिन से लगातार व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो इस वजह से मेरा बैठ गया गला, तो आज हम पता है 2-3 लो क्या दिक्कत है, इलाज यहीं से करेंगे। पहले मैं बहुत खाता था, मैं मतलब छोटा था ना, जब मैं 12th में पढ़ता था तो गाइस मैं बहुत खाता था ये चीज है, इनसे गला काफी साफ रहता, आप भी खाया करो, ये देखो बच्चों ने बना रखी है अपनी आयुर्वेदिक शैम्पू, ये देखो गाइज पहले हम भी बनाते थे ऐसे ही, है ना, हम मिलके बनाते थे पर कभी हमारा सक्सेस हुआ नहीं, पर ये देख रहे हो गाइज, देखो ये जो जितने भी सारे प्रोडक्ट मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, ये सारे बच्चों ने बनाए हुए हैं यहाँ पे कॉलेज की जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें बनाया है ना भाई सारो भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो गाइज कोल्ड क्रीम बनाई है ना, तो आपको कोल्ड क्रीम से ज्यादा सर्दी आ चुकी है, आप भी कोल्ड क्रीम लगाया करो, आज का व्लॉग काफी मस्त होने वाला है, आज हम आज का ये प्रैक्टिकल देख लो गाइज, आप सॉल्व कर सकते हो क्या ये प्रैक्टिकल, देखो टू स्टडी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक गिवन, क्या लिखा है ये, क्रूड ड्रग सैंपल है ना,
क्रू ड्रग सैंपल गाइस, मतलब आंवला लिया था, याद तो है हमें थोड़ा थोड़ा, इन्होंने आंवला लिया था क्रू ड्रग में, तो कोई नहीं गाइस। ये देखो पहले ये इनको ना असाइनमेंट में देते हैं, ये देख लो गाइस, ह्यूमन नोज, ह्यूमन ईयर और ह्यूमन एक्सटर्नल सिस्टम सारे रखे हैं। ये आई है, ये हार्ट है, आपका भी धड़क रहा होगा ऐसा, हार्ट दिख रहा है गाइस आपको? नहीं धड़क रहा गाइस, सारे भाई कह रहे हैं नहीं धड़क रहा, नहीं धड़कता तो हम ब्लॉग कैसे शूट करते हैं, और आपका नहीं धड़कता तो आप कैसे देख रहे होते हमारे ब्लॉग, है ना। तो गाइस ये हमारे हितेश सर है, देख लो आप मिल लो, है ना, इन्होंने हमें पढ़ाया था जब हमारी लैब लगती थी, और हितेश सर लैब में ही रहते हैं और अभी भी कॉलेज में है गाइस, हमने तो कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज की बहुत याद आती है। अब सारू भाई है, तब हमारे साथ पढ़ते थे, अब हितेश सर के साथ में रहते हैं गाइस, तो देख लो ये क्या नाम है, इनका नाम भूल गया, रिजवान सर, तब हम पढ़ने आते थे ना गाइस, तब ये रिजवान सर भी पढ़ाई करते थे, और अब देख लो मतलब मैं ही रह गया गाइस, बाकी सब तो यहाँ पे टीचर लग गए, काफी सैलरी कूट रहे हैं सब मिलके, पता है हमारे जो प्रिंसिपल है ना उनके, अरे याने बिरयानी से रहवा दे यार, तो अब खाएंगे गाइस हम ऐसे नहीं, शाहरुख भाई कहते बिरयानी से रह गए, अब हम जाकर खाएंगे, मतलब 3 बज रहे हैं अभी, तो अभी जाने से पहले खा लेंगे ना, क्या दिक्कत आ रही है, तो गाइस आपने देख लिया होगा, अगर ज्यादा मैं पूरा कॉलेज दिखाऊंगा ना आपको, पूरा कॉलेज दिखाऊंगा ना तो इतना लेट हो जाएगा गाइस, इतना लेट हो जाएगा कि मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा और यहाँ से भी नहीं निकल पाऊंगा, भूख भी लग रही है, भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं गाइस मैंने, है ना। अब हम लैब वैब को सारू भाई क्लोज करते हैं, सारू भाई लैब को क्लोज करने के बाद फिर हम चलते हैं सीधा, अपने बैग उठाएंगे, कहाँ रखे हैं बैग, कहाँ रखे भाई, ये तो आपके होगा, मेरे कहाँ रखे हैं, मेरे बैग में तो असला बारूद रखा है बहुत सारा असला, तो देख लो गाइस ये चलते हुए जा रहे हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, है ना, ये अपना बैग असला बारूद यहाँ पे रखा है, और ये बम बड़ा वाला बम हमारे यहाँ पे, तो गाइस देख लो अपन ले लेते हैं बैग को और फिर चलते हैं ना, पकड़ना सर भाई, अब तो तुम ही बना दो, मेरी हो गया हो गया हो गया, जल्दी कर लो सर थोड़ा सा, अरे हम कहाँ सर, सर नहीं नहीं मेरे लिए तो आप ही सर हो, चलो गाइस हो गया हमारा चलने का समय, सारू भाई ने जो हमें मुलेठी दी है इन्हें हम जेब में रख लेते हैं, हाँ ये मुलेठी सर्दियों में काम आती है, कफ वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, गला बैठता नहीं है, मतलब गला पूरा फ्रेश रहता है, इधर से चलेंगे, इधर से तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो ये तो सारू भाई देखो गाइस ये बंद कर रहे हैं, गाइस एक चीज बताऊं, तब मैं कॉलेज पढ़ता था ना तब बहुत शर्म आती थी मुझे, है ना, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता था, किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लेता था मैं, है ना, तो शर्म मुझे कुछ ज्यादा आती थी, पर अब पता नहीं जाना क्यों ऐसा हो रहा, अब मैं पता क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था गाइस कि मैं दोबारा से एडमिशन ले लेता हूँ बी फार्मा, मेरा एडमिशन हो भी जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहीं से डी फार्मा कर रखा है ना, तो फिर अच्छे से रिएक्शन वीडियो कॉलेज में और रुतबे के साथ में बनाएंगे भाई सारू भाई, फिर तो सर को मतलब सारू भाई को सर बोलना पड़ेगा, एक हमारे रिजवान सर, ये तो रिजवान सर मतलब रिजवान भाई ये तो पढ़े थे यहाँ से, है ना, एक हमारे रिजवान सर और है ना, वो आते हैं कभी नहीं आते हैं, वो रिजवान सर छुट्टी पे हैं, पता नहीं पढ़ाई छोड़ दी नहीं, उनकी शादी और गाइस पता नहीं है कितने तारीख की है, हो भी गई होगी शायद 20 सितंबर को थी और वो हो गई है, किधर चलना नीचे, मैं ये ऑफिस में, तो गाइस नीचे अपने पैंथर के पास बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं, अपने पैंथर को देख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं सीधा, तो गाइस मैं और शाहरुख भाई कॉलेज से आ गए बिल्कुल, ये देखो ये अपनी पैंथर पे हैं और हम अपनी पैंथर पे, तो गाइस अब हम सीधा जाएंगे शाहरुख भाई के गांव, यहां से मैं अपना सीधा निकल जाऊंगा रामगढ़ से फिर सीधा फिरोजपुर, और शाहरुख भाई जाएंगे अपने घर वहां से जहां तक इनकी शॉप है, हाँ रामगढ़ में शाहरुख भाई की क्लिनिक है, तो हम पहले क्लिनिक पे रुकेंगे फिर जाएंगे हम रामगढ़ से फिर जाएंगे फिरोजपुर के लिए, ठीक है गाइस, कैमरा माउंट कर लेता हूँ फिर आपको रास्ते का नजारा सारा दिखाता हूँ क्या क्या बात करते हैं हम रास्ते में, तो गाइस हमारा कैमरा बंद हो गया था बीच में, शाहरुख भाई हमें छोड़कर भाग गया है, ये देख लो गाइस आपको दिख रहा होगा नगर पालिका मंडल बहादुरपुर अलवर, भरतपुर याद आ रहा है,
तो गाइज हम शाहरुख भाई के डेस्टिनेशन पर आ गए। ये क्लिनिक है उनका छोटा सा, यहीं पे ये अपनी पैंथर और इनकी पैंथर खड़ी हुई है गाइज, है ना। हमने हेलमेट उतार लिया, बाहर पता नहीं कैसे आ रहे होंगे। तो ये देख लो भाई, बैठो बैठो भाई बैठो। ये शाहरुख भाई ने अपनी कुर्सी हमारे लिए थमा दी। चलो आज हम ही डॉक्टर बन जाते हैं, हम तो वैसे भी डॉक्टर ही हैं गाइज, है ना। लो, 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 मेहनत कर रहे भाई दवा के। ये देख लो गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ इनकी क्लिनिक में कितनी दवाइयाँ रखी हुई हैं। भाई ने ज्यादा दवाई इसलिए नहीं रख रखी, बस काम चलाने के लिए रख रखी है। सुबह वो कॉलेज चले जाते हैं, शाम को कोई मतलब इमरजेंसी वाला पेशेंट होता है उनको ये देख लेते हैं यहाँ पे आगे। तो डी फार्मेसी करी उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए गाइस, है ना। छोटा मतलब मेडिकल भी होना चाहिए, मतलब कि हाँ गांव के लिए। यहाँ पे इतनी है नहीं ना आसपास, इस वजह से शाहरुख भाई ने यहीं पे खोल लिया। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ, वीडियो इतना लंबा हो गया है ना, चाय गरम गरम बढ़िया, चाय वाय नहीं पी रहे हम निकालते हैं ना। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो इतना लंबा हो गया ना, अगर मैं पूरी डालूंगा ना काफी लंबा हो जाएगा, आप पता नहीं देखोगे या नहीं देखोगे। पर अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हूँ फिलहाल यहाँ पे रामगढ़ में। अब यहाँ से मुझे घर के लिए निकलना है, बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है। मम्मी का फोन आया तो वो कह रही थी कि अगर लेट हो जाए तो निकलना मत। तो अब मैं क्या करूँ, मैं वहाँ से भी आ गया अलवर से, साहिल भाई के यहाँ से भी ड्रैग रेस करके। तो अब हम सीधे निकलते हैं घर, बस शाहरुख भाई से इजाजत हो तो हम चले। अब हम एक इंटरेस्टिंग बात और मैं बताता हूँ आपको, है ना। शाहरुख भाई ने बताया कि कॉलेज में कौन आने वाला है, जगदीश सिंह सिंगर आने वाला है ना, 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को। तो गाइज हम अगर हो सकता है तो मैं अपनी पैंथर को लेकर 23 दिसंबर को फिर से आएंगे, एक मसालेदार कड़क व्लॉग देंगे आपको उस दिन। सीधा घर से आएंगे और पूरा व्लॉग शूट करेंगे, ठीक है गाइज। तो हम शाहरुख भाई से लेते हैं इजाजत और अपने चलते हैं घर, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइज अब हम चीते हेलमेट, हाँ हेलमेट, इसके बगैर तो मैं कैसे ही जाऊंगा घर गाइज, है ना। देखो व्लॉग में बेइज्जती कर रहे शाहरुख भाई यार, ऐसा नहीं है। चलो भाई मिलते हैं फिर, है। तो गाइस ख्याल रखना अपना और हम भी रखते हैं, अब सीधा घर जाते हैं, बहुत थक चुके हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, नमस्ते, सत्य अकाल, बाय बाय।